बच्चों आज हम वर्ग निकालने की विधियों का वर्णन करेंगे। वर्ग निकालने के लिए दो या तीन ऐसी विधियां हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप सुगमता और सरलता से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यह देखते हैं कि वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आती है या कौन कौन सी संख्या नहीं आती है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा और इसमें एक बड़ा ही जादू है, वह यह है कि इसमें 10 का बड़ा महत्व होता है और अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे 1×1 बराबर 0 है, इसी तरह से 9×9 इसका वर्ग हो गया 81। यहां देखिए इकाई के स्थान पर 1 है, ये दोनों में मिला और इसका जब हम योग करेंगे तो हमें सर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसी तरह से दूसरा है 2×2=4 और जब 10 में से 2 घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। 8×8=64। देखिए यहां पर इकाई के दोनों अंक समान है या नहीं है, और इन दोनों का इधर टोटल करके देखिए तो 8 और 2 कितने हो जाते हैं। इसके बाद अगली संख्या हम लेंगे वह है 3। 3×3=09 और यहां पर 7×7=49। अब देखिए दोनों में इकाई का अंक समान है जी, और इसका योग कितना है 10। तो ये एक जादू है आप लोगों के सामने। इसके बाद अगला है, अगली संख्या 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, अगली संख्या कौन सी आएगी 4। तो 4×4=16 और यहां देखिए घटते हुए क्रम में है, पहले 9 था, फिर 8 था, फिर 7 था, तो अब अगला घटता हुआ क्रम क्या आएगा 6। तो 6×6=36। यहां देखिए इकाई का स्थान क्या है 6, और यहां भी देखिए इकाई के स्थान को क्या है 6 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो योग क्या आएगा 10। समझ में आ रहा है जी। अब सेंटर पॉइंट देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 10 सबका योग हो रहा है। तो एक चीज और बच रही है, वह संख्या है 5, क्योंकि वो सेंटर में है तो 5×5=25। इसको हम पुनः करेंगे, क्योंकि सेंटर में पहले हम असेंडिंग ऑर्डर से जाएंगे और जब असेंडिंग से डिसेंडिंग की ओर लौटेंगे तो वहां पर भी देखिए 5×5 दोनों का योग कितना हो गया 10 और यहां पर देखिए दोनों संख्याएं हमेशा एक समान है जी। समझ में आ रहा है जी। तो एक तो ये सुगमता आपको हमने बता दी। अब देखिए यहां पर इकाई के स्थान पे कौन कौन सी संख्या आई है, तो इकाई के स्थान पर संख्या है 1 जी। फिर इसके बाद जो संख्या आई है वह है 4, फिर इसके बाद जो संख्या आई है वह संख्या है 5, पहले 5 आई है और 5 के बाद 6 और 6 के बाद 9। यानी अब यह स्पष्ट है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 1, 4, 6, 9 होंगे
वो ही संख्या पूर्ण वर्ग में होगी। समझ में आ गया? जी। फिर से एक बार मैं कह दे रहा हूँ, जिन संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर एक, चार, पांच, छह और नौ संख्या होगी, वही संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है जो नहीं है, उसके लिए ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अब यहां पर देखिए दो नहीं है, दो के बाद तीन नहीं है, देखिए चार पांच छह है, फिर सात नहीं है, आठ। यानी एक याद करने का जो तरीका है वह यह है, अगर हम 2378 एक ऐसी संख्या मान लें, ये कभी भी अगर वो इकाई के स्थान पर होंगी तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। अब इसके बाद इसमें तीन प्रकार की हम विधियां आपको बताएंगे। पहला जो परंपरागत उसी संख्या को उसी संख्या से हम गुणा करते हैं, जैसे कि अभी हमने करके बताया है। दूसरा है वैदिक रीत से, और तीसरा भी उसमें दस का ही गुणा करके दस का ही पहाड़ा लिखेंगे, तो आपको बड़ी सुगमता से हर चीज आधार मान करके हो जाएगा। जैसे कोई एक संख्या बोलिए जो दो अंकों की हो। 34। 99। जैसे आपने 99 कहा तो 99 ये 100 के नजदीक है। ये किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। अब इसी संख्या को हम अपने जितने भी तरीके हैं उससे हम करके दिखाएंगे। तो यहां पर कितना हो गया? एक। यानी एक का, क्योंकि एक के पहले हम इकाई में कोई भी अंक लिखते हैं तो शून्य अवश्य लिखते हैं, तो एक का वर्ग क्या होगा? एक। और फिर पुनः 99 में हम एक को घटा देंगे, तो 99 में हम एक को घटाने पर कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी? 98। तो 98 वह हम ठीक इसके बगल में लिख देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं? यह हो गई प्रथम विधि। इसी 99 का दूसरी विधि से हम आपको करके दिखा रहे हैं, जिसमें इकाई और दहाई के अंक को दो तरह से, जैसे 9 का वर्ग कितना होता है? 81। और इधर भी हम 9 का वर्ग ले लेंगे, 81। अब यहां पर जो इकाई के अंक का आया है उसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब एक बार गुणा हम इधर से इस तरफ कर देंगे और दूसरी बार इस संख्या का इस संख्या से कर देंगे। तो यहां देखिए 9 का 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 81। और जब नीचे यहां से यहां गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 81। इन सबको जोड़ देंगे तो यहां पर देखिए कितना ही जादुई संख्या है, 1, 8 और 2, 10 और 8, 8, 16, 1, 17 और 1 हासिल 18 हासिल आया 1 और 8, 9। तो दूसरी विधि से भी देखिए हम आपको यह उत्तर ले आए। दोनों समान है जी। अब इसी को तीसरी विधि से भी हम कर रहे हैं। द्वितीय विधि, तीसरी विधि इसी सवाल को करेंगे। तो जैसे ये 100 के नजदीक है, अब इसको अगर हम 90 के नजदीक मान लें तो 10 गुणे 9
दस गुणे नौ बराबर नब्बे, और नब्बे और नौ निन्यानवे। ठीक है, तो पहले हम निन्यानवे है ये नब्बे के मान के चल रहे हैं, तो नब्बे में इसमें हम नब्बे घटाते हैं, हम आगे वाले ना लेकर के पीछे वाले को करेंगे, तो यहां पर नौ आएगा, नौ का वर्ग कितना होगा इक्यासी, और निन्यानवे में नौ जोड़ देंगे तो कितना आएगा 108। निन्यानवे में नौ जोड़ेंगे कितना आएगा 108। और 108 को चूंकि ये नौ का है, दस गुणे नौ, दस गुणे नौ बराबर कितना होता है नब्बे, तो निन्यानवे यहां पर हमने आपने इक्यासी लिख लिया था, और निन्यानवे में नौ जोड़िए कितना आया 108। तो 108 गुणे नौ, चूंकि यहां पर मल्टीपल क्या है नौ, तो नौ अठे बहत्तर, और नौ के नौ। ठीक है, अब देखिए फिर उसी तरह से आप जोड़ लीजिए, तो एक का एक आएगा, आठ और दो दस, हासिल आया एक, सात और एक आठ, और नौ एक नहीं, यहां पर हासिल नहीं है जी, तो देखिए तीनों उत्तर एक समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये तृतीय विधि है। अगर जो हम दस का मतलब निरर लेकर के चलें, तो इस विधि से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा जी, तृतीय विधि हम लिखे दे रहे हैं, इसके बाद अभी हम दूसरे उससे आपको टेबल लेकर के बता रहे हैं, जिसमें हर एक का मल्टीपल लेकर के हर एक का गुणा करके आपको बता देंगे। ठीक है जी।